आज मैं आपको आजाद से मिलवाता हूँ। अभी तो ये औरों से लड़ने लगा है। जब ये पिछले हफ्ते आया था तो इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। अब जब ये आया तो इसने मुझे कहानी भी बताई जो बहुत ज्यादा, अंत में आप खुद ही सुनिएगा। फिलहाल मैं आपको ये बताता हूँ कि हमारे हाथ लगा कैसे। बस कर, ये हम पालमपुर के रास्ते में थे तो मुझे बैल दिखाया तो मेरे को लग रहा है इसकी नाक पे चोट है। ओह नो, इसकी तो नाक में रस्सी पूरी घुसी हुई है। हमसे तो ये पकड़ा नहीं गया। मैंने साहिल को फोन किया है और लोकेशन भेजी है। इस समय हम फार्म से तो काफी दूर है। थोड़े ही समय में हमारी टीम वहां पहुंच गई। अब ये सड़क से हटे तो हमारी टीम डार्ट गन का प्रयोग कर पाती है। इसको ना किसी के ऐसे दीवार वाले घर के साइड को मोड़ाते हैं। वहां पे इसने खुद ही सरेंडर कर दिया। तो अमित, नवीन और राजस्थान से हमारे वॉलंटियर आए हुए हैं जय। ये लोग इसको पकड़ लाए, इन्होंने इसकी रस्सी भी काट दी। अब रस्सी कटी तो इसको बहुत आराम आया। हमारी थोड़ी बातचीत शुरू हुई तो मैंने कहा कि भाई तेरी कहानी क्या है। तो इसने जो मुझे अपनी कहानी बताई ना, एक हरियाणवी रागिनी जैसी है। ये छोटा ही था तो इसको अपनी माँ से अलग करके बेच दिया गया। एक किसान ने इसको खरीदा, पर किसान बड़ा अच्छा आदमी था तो वही इसकी माँ भी बन गया, वही इसका बाप भी बन गया। इसने भी अपना धर्म खूब निभाया। इसने अपनी जवानी में खेत में खूब काम किया, उनके घर में अनाज ठोक के भर दिया इसने। पर जब ये थोड़ा बूढ़ा हो गया है, इसके घुटनों में जोर कम हो गया, इसके कंधों में जान नहीं बची, आंखों की रोशनी थोड़ी मद्धम हो गई, तो किसान के लड़कों ने कहा कि बापू तूने इसको क्यों रखा हुआ है बोझ को घर पे, इसको बेच। किसान अपने लड़कों की बात में आ गया, उसने व्यापारी बुलाए। व्यापारियों ने कहा लाओ भाई खोल के लाओ इसको। तो किसान इसको खोलने गया तो इसने तो घुटने टेक दिए, ये रो पड़ा। इसने भीख मांगनी शुरू कर दी कि मेरे अन्नदाता, मैंने अपनी जवानी में जो तेरा इतना काम किया, ये लोग उसका मोल नहीं देंगे, ये मुझे काट काट के तोल तोल के बेचेंगे, तू क्यों इस पाप का भागीदार बनता है। किसान का दिल पसीज गया, पर वो अपने लड़कों के आगे मजबूर था। उसने इसको खोला, कहा कि भाई तू यहां से भाग जा, अब राम जी तेरे मालिक हैं। पर देखिए, राम जी खुद तो धरती पे आके इसकी मदद नहीं करेंगे ना, वो आपके मेरे माध्यम से काम करते हैं। तो आपको भी कोई भूखा बेसहारा जानवर कष्ट में दिखता है तो उसको उसके भूख से, कष्ट से, प्यास से मुक्ति दीजिए और स्वर्ग में अपनी सीट पक्की करिए।